चार यात्रियों और एक पायलट के साथ टाइटन ने जोखिम भरी यात्रा की। टाइटन ने पहले भी 2021 और 22 में ऐसी यात्राएं की थी। सबमरीन्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं, जबकि सबमर्सिबल्स को लॉन्च करने के लिए एक जहाज की जरूरत होती है। टाइटन रविवार की सुबह यात्रा पर निकला और उसे 8 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए लगने चाहिए थे, लेकिन 1 घंटे और 45 मिनट बाद टाइटन का अपने सरफेस शिप से संपर्क टूट गया। 22 फुट लंबी सबमर्सिबल एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसे भारत में जुगाड़ भी कहा जाता है। किसी मरीन रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा इसे मान्यता भी प्राप्त नहीं है। टाइटन में ना तो कोई एस्केप पॉड होता है और ना ही कोई हैच जो अंदर से खुल सके। इसके बावजूद यात्रियों ने इस यात्रा को करने का मन बनाया और टाइटैनिक को लेकर जिज्ञासा के कारण मौत के मुंह में जा गिरे।